आंध्र प्रदेश भारत का वह अद्भुत राज्य है जो भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है और इस राज्य को 2014 में काटकर नया राज्य तेलंगाना बनाया गया और इसकी राजधानी हैदराबाद है। क्या आप जानते हैं कि साउथ इंडिया हिमालय से बहुत दूर होने के कारण साउथ के लगभग सभी राज्यों में भयानक गर्मी पड़ती है, लेकिन आंध्र प्रदेश में विचित्र घाटियों और ठंडे तापमान के साथ लंबा सिंगी एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जमकर बर्फबारी होती है। और समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विशाखापट्टनम के चिंतापल्ली शहर में स्थित इस धुंध भरे हिल स्टेशन को आंध्र प्रदेश का काश्मीर कहा जाता है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आंध्र प्रदेश भारत का वह राज्य है जहां की 70% जनसंख्या खेती पर ही निर्भर है। यहां सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है और इसीलिए इसे राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु भाषा सबसे ज्यादा लिखते और बोलते हैं और ब्रिटिश शासन के समय तेलुगु भाषा इतनी एडवांस थी कि अंग्रेजों ने इसे इटालियन ऑफ द ईस्ट का दर्जा दिया था। और आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, इस बात को सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तेलुगु दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका हर शब्द किसी न किसी वावेल पर जरूर खत्म होता है, क्योंकि तेलुगु भाषा में कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जो किसी न किसी वावेल पर ना खत्म हो। और इस पॉइंट को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और क्या आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश हमेशा से प्रभावशाली व्यक्तित्वों का गढ़ है, क्योंकि बचपन में आपने तेनाली राम की कहानी जरूर पढ़ी और सुनी होगी और तेनाली राम का जन्म स्थान आंध्र प्रदेश ही है और ये कहानियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं और इन्हें कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया। क्या आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश सुंदर और मनमोहक राज्य होने के साथ साथ अपने बड़े पर्दे के लिए भी विश्व विख्यात है, क्योंकि आपने बाहुबली मूवी जरूर देखी होगी और इस मूवी को बॉलीवुड में नहीं बल्कि टॉलीवुड में बनाया गया था, जिसे आंध्र प्रदेश की तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज यानी टॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश अपनी प्राचीन सभ्यता और कल्चर के लिए न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां कई हजार साल पुराने मंदिर हैं। यहां मौजूद तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ साल भर में अरबों रुपए से ज्यादा आए लोगों द्वारा दान किया जाता है और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ प्रसाद में मिलने वाले लड्डुओं को कहीं और नहीं बनाया जा सकता। आंध्र प्रदेश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि इसरो के सबसे प्रभावशाली स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थित है। यहाँ से सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर यहां के सबसे बड़े शहरों में से एक है और यहां का रेलवे स्टेशन दुनिया के सबसे साफ सुथरे रेलवे स्टेशनों में से एक है और एक बंदरगाह के रूप में इसका महत्व आज सातवें आसमान पर है। विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी से आती हुई ऊंची लहरों के उत्तरी छोर पर स्थित है। क्या आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश भारत के सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोगों का राज्य है, क्योंकि यहां की मिट्टी ने कई महान लोगों को भारत के लिए संवारा है। अगर परिचित कराया जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरोजनी नायडू, NTR, फ्रीडम फाइटर NG रंगा, पोट्टी श्री रामुलु, वेणुगोपाल रेड्डी, पवन कल्याण, ब्रह्मनंदनम, जया प्रदा, सुष्मिता सेन, शर्मिला टैगोर, तैबू, दिया मिर्जा, समीरा, विवेक ओबराय, रवि तेजा, रामी रेड्डी, ये सभी आंध्र प्रदेश के ही हैं। क्या आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश का टॉलीवुड अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जैसे कि बाहुबली, मगधीरा, जनता गैराज, महारिषि, भारत आने नेनू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।